हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू ऑल फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन 3 सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हमने लेसन 1 द हैप्पी प्रिंस एंड लेसन 2 वेयर इज साइंस टेकिंग अस को कर लिया था और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे। जिन्होंने अभी तक लेसन 1 द हैप्पी प्रिंस एंड लेसन 2 वेयर इज साइंस टेकिंग अस नहीं किया, वो लेसन 1 एंड लेसन 2 कर लीजिए। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लेसन 3 सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस को कंप्लीट कर लिया था। अगर अभी तक आपने लेसन 3 सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस नहीं किया है, वो लेसन 3 सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर्स। सो फ्रेंड्स, ये जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ये जो लेसन है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, उनके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो उनके ऑथर हैं नॉर्मन विंसेंट पील। जो लेखक हैं वो हैं नॉर्मन विंसेंट पील। सो फ्रेंड्स, ये नाम आप याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट डे इन मैंस लाइफ। व्यक्ति की लाइफ में, व्यक्ति की जिंदगी में सबसे महान दिन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है व्हेन ही स्टार्ट्स रियलाइज हिमसेल्फ। जब व्यक्ति खुद को रियलाइज़ करने लग जाए, खुद महसूस करने लग जाए, खुद को आत्म क्वेश्चन नंबर 4th, व्हाई डज एन एवरेज मैन फेल। जो एवरेज मैन है, औसत व्यक्ति है, वो क्यों फेल हो जाता है? तो इसका आंसर है बिकॉज ही हैज़ नॉट लर्न टू कंट्रोल एंड कंसोलिडेट हिज पावर्स। जो वो औसत व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, वो इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो अपनी पावर्स को, शक्तियों को कंट्रोल, नियंत्रण एंड कंसोलिडेट इकट्ठा नहीं कर पाता है, इसीलिए वो जो व्यक्ति है वो फेल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ देयर इन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल है, मनुष्य है, उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में क्या है? तो इसका आंसर है अ लार्ज स्टोर हाउस ऑफ अनटैप्ड अनयूज्ड पावर्स। जो एक व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी में अनयूज्ड पावर, यानी कि जो शक्तियाँ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन शक्तियों का एक बड़ा सा स्टोर हाउस है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी क्लास चेंज हिमसेल्फ। साइकोलॉजी क्लास में जो एक स्टूडेंट था, छात्र था, उसने अपने आप को किस तरह बदला? तो इसका आंसर है ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ विद सेल्फ रियलाइजेशन। वो जो छात्र था, स्टूडेंट था, उसने अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्मबोध से खुद को बदल दिया था। तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड अ स्टूडेंट, सो
सॉरी, ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट है, वो सेम ही लास्ट क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ कैन अ वीक पर्सन बिकम स्ट्रोंग? जो एक वीक पर्सन है, जो एक कमज़ोर व्यक्ति है, वो किस तरह स्ट्रोंग बन सकता है? तो इसका आंसर है बाय यूजिंग हिज लार्ज स्टोर ऑफ अनयूज्ड पावर। जो हमने पीछे पढ़ा था कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में बहुत ही बड़ा स्टोर हाउस होता है अनयूज्ड पावर का। अगर हम उन पावर्स को जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर हम उन पावर्स को इस्तेमाल करने लग जाएं, तो जो एक वीक पर्सन है, एक जो कमज़ोर व्यक्ति है, वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। हाउ कैन वी ओवरकम फियर? फियर यानी कि डर, ओवरकम यानी कि काबू। हम अपने डर को कैसे काबू कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बाय कन्विंसिंग अवर सेल्फ दैट गॉड इज ऑलवेज विद अस। अपने आप को कन्विंस कर लेना, अपने आप को मना लेना, समझा लेना कि गॉड है, जो भगवान है, वो हमारे साथ हमेशा है। तो इस तरह से हम डर पर काबू पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट डे इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। इंडिविजुअल लाइफ में यानी कि मनुष्य की ज़िंदगी में सबसे महान दिन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है इट इज़ व्हेन द पर्सन फर्स्ट गेट्स टू नो हिमसेल्फ। जब व्यक्ति खुद को जानने लगता है तब वो दिन होता है सबसे महान दिन होता है, यानी कि जब व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है वो दिन सबसे ग्रेट डे होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इंथ्रल्ड द स्टूडेंट इन द साइकोलॉजी क्लास। जो साइकोलॉजी की क्लास थी, मनोविज्ञान की क्लास में कौन सी चीज़ ने स्टूडेंट को, छात्र को रोमांचित किया था, इंथ्रल्ड किया था? तो इसका आंसर है इन द क्लास ऑफ साइकोलॉजिस्ट द प्रोफेसर सेड दैट द कॉमन मैन फेल्स बिकॉज ही डज नॉट लर्न टू कंट्रोल हिज पावर्स एंड गैदर दम। जो साइकोलॉजी की क्लास थी उसमें प्रोफेसर ने कहा था कि जो कॉमन मैन होता है, साधारण व्यक्ति होता है, वो इसीलिए फेल होता है क्योंकि वो अपनी शक्तियों को नियंत्रण और एकीकृत यानी कि इकट्ठा करना नहीं सीख पाता, इसीलिए वो फेल होता है। दिस थ्रिल्ड द स्टूडेंट एज ही रियलाइज्ड दैट दिस वॉज द रीज़न फॉर हिज ओन फेलियर। जब व्यक्ति जब जो स्टूडेंट था वो इसीलिए रोमांचित हो उठा क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि वो फेल क्यों हो रहा है, उसे अपने फेलियर का कारण पता लग गया था, इसीलिए जो स्टूडेंट था वो रोमांचित हो उठा था, इनथ्रेल्ड हो उठा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिड द बॉय चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन? क्या जो वो लड़का था वो रियलाइजेशन यानी कि जो उसमें चेंज आया था, उसमें आत्मज्ञान हुआ था, उससे वो चेंज हो गया था? तो इसका आंसर है यस, बिकॉज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन देर वॉज अ ड्रास्टिक चेंज इन द बॉय। हाँ, तो इसका आंसर है कि वो लड़का आत्मज्ञान की वजह से चेंज हो गया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर आ गया था, ड्रास्टिक यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज आना। ही बिकम वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। वो अपनी लाइफ में, वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफल व्यक्ति बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ देयर इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी मैन। जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में क्या होता है, कौन सी चीज़ होती है? तो इसका आंसर है एवरेज पर्सन्स पर्सनैलिटी हैज़ अ ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ अनयूज्ड पावर। हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में, हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक स्टोर हाउस होता है, एक बड़ा भारी मात्रा में भंडार होता है अनयूज्ड पावर्स का, यानी कि जो शक्तियाँ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन शक्तियों का बहुत ही बड़ा स्टोर हाउस होता है। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ कैन वीक पर्सनैलिटीज बिकम स्ट्रोंग? जो वीक पर्सनैलिटी है, कमज़ोर व्यक्तित्व है, वो स्ट्रोंग कैसे बन सकते हैं? तो इसका आंसर है
एवरी पर्सन हैज़ अ स्टोर हाउस ऑफ अनयूज्ड पावर, हर एक व्यक्ति के पास एक स्टोर हाउस है, एक बहुत बड़ा भंडार है जिसमें अनयूज्ड पावर्स हैं, यानी कि जो पावर्स हम यूज़ नहीं करते हैं। वीक पर्सनैलिटीज कैन बिकम स्ट्रोंगर बाय यूजिंग दिस स्टोर, जो वीक पर्सनैलिटीज़ हैं, जो कमज़ोर व्यक्तित्व हैं, वो इन पावर्स का यूज़ कर कर अपने आप को स्ट्रोंग बना सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वुड चेस्टन प्रीच इफ ही हैड जस्ट वन सर्मन टू डिलीवर, अगर गिल्बर्ट चेस्टन के पास एक सर्मन होता, एक उपदेश होता देने के लिए, तो वो किस पर उपदेश देता। तो ये आंसर है ही वुड प्रीच अगेंस्ट फियर। तो जो वो चेस्टन है वो फियर यानी कि डर के विरुद्ध उपदेश देते, एंड ऑल्सो टेल द वे टू विन इट, और इसके अलावा वो डर से कैसे जीत पाए वो रास्ता भी बताते, जीत कैसे सकते हैं, डर पर काबू कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन कौन से डर हैं, किस किस तरह के जो फियर हैं, डर हैं, जो लोग अनुभव करते हैं, लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है। तो इसका आंसर है पीपल एक्सपीरियंस मैनी टाइप्स ऑफ फियर, जो लोग हैं वो कई तरह के डर को अनुभव करते हैं। दे हैव फाइनेंशियल फियर्स, किसी को फाइनेंशियल फियर यानी कि वित्तीय का डर है, बैड हेल्थ फियर, किसी को खराब सेहत का डर है, फियर्स अबाउट द फ्यूचर, किसी को भविष्य का डर है, दे ऑल्सो फियर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द वर्क डन और डिसीजंस टेकन इन द पास्ट। तो कईयों को इस बात का डर है कि जो काम उन्होंने पास्ट में यानी कि अतीत में किए हैं उनके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या रिजल्ट निकलेंगे, जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उनके क्या नतीजे निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, इस बात का डर है। यानी कि हर एक व्यक्ति डर से घिरा हुआ है, किसी को फाइनेंशियल का डर है तो किसी को बैड हेल्थ का डर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर ऑफ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस फाइंड व्हेन ही फ्लंग द डोर ओपन, जो ऑथर है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस के, उन्होंने क्या देखा था जब उन्होंने झटके से दरवाजे को खोला था, उन्हें क्या मिला था। तो इसका आंसर है द राइटर सा ए स्मॉल स्क्वेल ओवर देयर, जब ऑथर ने झटके से दरवाजे को खोला तो उन्होंने वहाँ पर एक छोटी सी गिलहरी को देखा। शी रैन इन टू डार्कनेस, वो गिलहरी अंधेरे की तरफ भाग गई। वेन द ऑथर जर्कली ओपन द डोर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वन हैव अ रियल एस्केप फ्रॉम फियर, डर से कैसे बचें। तो इसका आंसर है वी मस्ट बिलीव इन गॉड, हमें ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वी मस्ट बिलीव दैट वी आर नॉट अलोन, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। वी मस्ट बिलीव दैट गॉड इज ऑलवेज विद अस एंड कंसर्न अस, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और उन्हें हमारी चिंता है। सच फेथ कैन गिव अस रियल पीस ऑफ माइंड, ऐसा विश्वास ही हमें वास्तविक शांति देगा हमारे मन को, एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फियर, और इसके अलावा हमें सभी तरह के डर से मुक्ति मिलेगी। सो हमें विश्वास होना चाहिए खुद पर और गॉड पर। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइजलेस सीक्रेट डिस्कवर्ड बाय मिस्टर कागावा, जो मिस्टर कागावा थे उनके द्वारा कौन सा अनमूल्य रहस्य खोजा गया था, जो अनमोल रहस्य था, कौन सा ऐसा रहस्य था जो खोजा गया था। तो कौन सा था वो, मिस्टर कागावा डिस्कवर्ड दैट इफ अ पर्सन एमर्जेस हिमसेल्फ इन द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मिस्टर कागावा ने खोज की थी कि अगर एक व्यक्ति, एक पर्सन एमर्ज यानी कि डुबो लेना, अगर एक व्यक्ति अपने आप को, खुद को ग्रेस ऑफ गॉड यानी कि भगवान की, ईश्वर की कृपा में
लंबे का समय के लिए डुबो लेता है, ही कैन अटेन पीस, तो उसे एक शांति मिलेगी, गहरी शांति मिलेगी, दैट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, जो वो शांति होगी उस शांति से कोई भी चीज़ नष्ट नहीं हो सकती। मतलब अगर हम भगवान की कृपा में लंबे समय के लिए खुद को डुबो लेंगे तो हमें ऐसी शांति प्राप्त होगी जिससे हमें कोई भी चीज़ है जो वो नष्ट नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आ चुका होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल आईडी khyatisethi999@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं sadguruinstitute999, जो भी आपकी क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग सतगुरु इंस्टीट्यूट।